हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। धूम 3 की स्टाइल में चोरी करने वाले जुड़वा भाई हुए गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर से सबिया हुसैन शेख। हम बता रहे हैं हमशक्ल होने की आड़ में चोरी करने वाले जुड़वा भाइयों के बारे में। घटना रविवार 7 जुलाई की है, जब एक मोबाइल चोर को पकड़ते वक्त चलती लोकल से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मुंबई के चरनी रोड रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां गोरेगांव निवासी 53 साल के शकील गफ्फार शेख अपने दोस्तों के साथ चर्च गेट जा रहे थे। तभी एक युवक ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया और चलती ट्रेन से कूद गया। इस चोर को पकड़ने के लिए शकील शेख भी कूद गए, मगर उनका पैर लड़खड़ा गया और वो उसी चलती लोकल के नीचे चले गए। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाला मोबाइल चोर की जब पुलिस ने छानबीन की और उसकी शिनाख्त की, उसमें पता चला आरोपी का नाम शिवम कृष्णा सिंह है, जो नाला सुपारा के संतोष नगर में रहता है। उसे गिरफ्तार किया, मगर जिसे चरनी रोड स्टेशन पर हुई घटना का आरोपी समझकर पुलिस ने पकड़ा, तो उसने अपना नाम सत्यम कृष्णा सिंह बताया। सत्यम ने पुलिस को बताया कि आरोपी वो नहीं बल्कि उसका हमशक्ल भाई शिवम है। सत्यम के इस बयान पर पुलिस भी हैरान रह गई। सत्यम की निशानदेही पर पुलिस ने शिवम को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों से एक साथ पूछताछ की। इस पूछताछ में दोनों भाइयों का राज खुला कि दोनों भाई कम उम्र से ही चोरी कर रहे थे और पकड़े जाने पर हमशक्ल होने का फायदा उठाते हुए बच निकलते थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि शिवम पर चोरी के 17 केस और सत्यम पर 4 केस पहले से ही चल रहे हैं। यही नहीं, शिवम हाल में ही चोरी के आरोप में 4 महीने जेल जाकर आया है। वहीं इनका बाप ड्रग स्मगलिंग के आरोप में कोल्हापुर जेल में सजा काट रहा है। ये थी हमारी आज की जुड़वा भाइयों द्वारा धूम 3 स्टाइल में चोरी करने की जानकारी देने वाली खबर। जल्द ही हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।